बैट बोलते हैं बैट, तो सबसे पहले जैसे बैट बोलेंगे तो क्या इस्तेमाल, सबसे पहले कौन सा अक्षर बोलेंगे? बी बोलेंगे। अच्छा बॉल बोलेंगे तो बॉल भी बी से शुरू होगा। अच्छा फैन, फैन आपको फैन की स्पीड आती है? बहुत अच्छा, क्लैप कीजिए इसके लिए। अगर लिखना हो उसको फॉक्स, एफ ओ एक्स फॉक्स होगा, लेकिन कहीं वेरी गुड। अच्छा अगर मुझको लिखता हूं फूल, लिखिए दिखाइए, वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए बढ़िया, आपने देखा कि जो बच्चे हैं उन्होंने फैन का, बच्चों को पता है कि फैन और फॉक्स उसकी स्पेलिंग, फॉक की आवाज जो है एफ से होती है। जब मैंने उनसे कहा फून की स्पेलिंग क्या होगी तो बच्चों ने एफ ओ यू एल लिखा। इसी को कहते हैं इन्वेंटेड स्पेलिंग। जिस बच्चों को बच्चे जिन साउंड्स के लिए बच्चों ने किसी अक्षर को एसोसिएट कर दिया है उन साउंड पे एक नया वर्ड बनाते वो और एक नई स्पेलिंग निकालते, इसी को इन्वेंटेड स्पेलिंग कहते हैं। और इस तरह की स्पेलिंग अगर बच्चे करते हैं तो हमें उसको प्रमोट करना चाहिए, बच्चों को डांटना नहीं चाहिए बल्कि बच्चों को प्रमोट करना चाहिए कि हाँ बहुत अच्छा लिखा आपने, बाद में इसको आप करेक्ट कर सकते हैं, ग्रेजुअली इसको आप करेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। बर्थडे बनाते आप लोग? क्या है आपका बर्थडे? छह जून। आपका 18 मार्च, वेरी गुड। आपका बर्थडे कब है? 18 दिसंबर। वाह, बिहारी में लगता होगा बर्थडे आपका। तो बर्थडे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो करते हैं आप, वो क्या होता, क्या करते हैं आप लोग बर्थडे में? केक खाते हैं। केक कैसे कितने केक बनता होता? इंग्लिश में लिखे केक, केक हाँ लिखे केक, हिंदी में लिखा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अंग्रेजी में किसको आता है इकने? आइए बहुत अच्छा, केक वेरी नाइस। देखो केक लिखा है ना, क्या नाम बेटा आपका? विद्या। विद्या ने केक लिखा यहाँ पे। और किसी को आता केक लिखना? आइए कमलिया, केक किसने लिखे? केक वाह बहुत अच्छा, इसे हिंदी में अंग्रेजी में लिखे इंग्लिश में यहाँ से लिखे बेटा यहाँ। बहुत अच्छा, आपको भी आता? आइए यस, ये यहाँ पर लिखे पर केक, और इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? और किसी को आता क्या केक लिखने? आइए किस क्लास में पढ़ते आप? वेरी गुड, ये
वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आपने देखा कि जब बच्चों को केक के बारे में कहा तो बच्चों ने केक की स्पेलिंग हिंदी में केक कैसे लिखा, और बच्चे ये जानते हैं कि क के लिए क जो आवाज है उसके लिए जो साउंड है वो क का के लाते हैं, क के लिए साउंड बच्चे के कहलाते हैं। और बच्चों ने इसी को ध्यान में रखकर और बच्चों ने अपनी एक स्पेलिंग बनाई, इसको हम लोग कहते हैं इन्वेंटेड स्पेलिंग। बच्चों ने स्पेलिंग को ईजाद कर दिया, इन्वेंट कर दिया। तो इस तरह का जब भी होगा तो हम इसको प्रमोट करेंगे और कहेंगे बच्चों को कि आपने बहुत अच्छा किया। और कुछ इस तरह का वर्ड रफ्तार रफ्तार इसी में बच्चे एक नए वर्ड को इसकी सही स्पेलिंग जो है उसको सीख पाएंगे। आई थिंक इन्वेंटेड स्पेलिंग के बारे में जो एक्टिविटी है आप इसको समझ गए होंगे। धन्यवाद।